शास्त्र में हमने देखा कि चार हिंदेशी अदद को अपनी मुकामी कीमत के एतबार से तौसी सूरत में किस तरीके से लिखेंगे। आओ बच्चों, अब हम इसी के चलते हमारी दूसरी मिसाल जो है ज़ेल के चार हिंदेशी अददों में खत कशीदा हिंदुसों की मकामी कीमत लिखेंगे। जैसे मसलन यहाँ पर मैंने कुछ मिसालें हल करने के लिए दी हुई हूँ, दिया हुआ हूँ। नंबर एक, 1999। उसके नीचे एक अदद के नीचे खत कशीदा लकीर खींची हुई है। उसी तरीके से दूसरी मिसाल 2345। उसके एक अदद के नीचे खत कशीदा लकीर खींची हुई है। तीसरी मिसाल 2000। उसके इकाई वाले अदद के नीचे खत कशीदा लकीर खींची हुई है। चौथी मिसाल जो है 4835। उसके सैकड़े वाले मुकाम के नीचे खत कशीदा लकीर खींची हुई है। अब पहली मिसाल जो है हमारी 1999। तो प्यारे बच्चों, इकाई वाले मुकाम के नीचे हमने खत कशीदा लकीर खींची हुई है, इसलिए ये खत कशीदा अदद की कीमत जो है वो 9 होंगी। सिर्फ कितनी होंगी? सिर्फ 9। क्यों? क्योंकि इसलिए कि हमने इकाई वाले अदद के नीचे इधर आने से शुरू अदद के बजाय हिंदसा लफ्ज बोला करो एक के लिए। शुरू है। तो प्यारे बच्चों, इकाई वाले हिंदसे के नीचे खत कशीदा लकीर खींची हुई है, इसलिए उसकी मुकामी कीमत जो है वो सिर्फ 9 होगी। उसी तरीके से दूसरी मिसाल में हमने देखे 2345। तो हजार वाले अदद के नीचे खत कशीदा लकीर है, इसलिए इसकी इस हिंदसे की मुकामी कीमत 2000 होगी। तीसरी मिसाल में देखे हमने कि यहाँ पर जो कीमत दी हुई है वो 2000 है, और यहाँ पर भी इकाई वाले अदद के नीचे खत कशीदा लकीर है, इसलिए यहाँ पर जो अदद है इकाई पे वो सिफर है, इसलिए इसकी मुकामी कीमत सिफर ही होगी। चौथी मिसाल में देखेंगे प्यारे बच्चों 4835। इसके सैकड़े वाले हिंदसे के नीचे खत कशीदा लकीर है, इसलिए इसकी मकामी कीमत 800 इस तरीके से होगी।